आज हमारे बीच में एक माँ आई है पटना से, बिहार से। क्यों आई है यहां? क्या मैया के जीवन में संकट आया, दुख आया, विपत्ति आई? कौन से हालात बने के यहां आना पड़ा? मैया से ही जानेंगे। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हमारे ऐसे घर तो कलकत्ता थी, किंतु वहां से तो हमको, हमारा हस्बैंड 20 साल हो गया चले गए हैं। एक बेटी थी, वो भी बेटी भी अभी बड़ी थी, शादीशुदा थी, अच्छा पोस्ट पर थी, लेकिन वो भी कैंसर के रोग से, वो भी एक साल भी नहीं लगा है, मर गई। अब देवर लोग है, हमारा घर था, सब ले लिया है, लेके हमको तो निकाल दिया है। अच्छा, देवर ने आपका घर ले लिया? हाँ, कुछ नहीं रहा हमारे पास, तो हम एक बहन है हमारी, उसी के पास हम आए हैं, उसी के यहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो आपका घर पटना, मतलब पटना में रहते थे आप? पटना मेरा मायके है। मायका पटना का है? हाँ। और ससुराल? कलकत्ता। तो कलकत्ता वाले जो देवर हैं, उन्होंने वहाँ अपने घर से निकाल दिया? हाँ हाँ। आपका घर ले लिया? हाँ हाँ। आपके बेटा? बेटा नहीं है हमको, बस एक लड़की थी। तो लड़की कहाँ है? लड़की चली गई बाबू, कैंसर से मर गई। अच्छा, उस मृत्यु। तो लड़की का बच्चा, बेटा बेटी? एक बेटी है, लेकिन वो छोटी है, उसको तो बाप लेके अपना रहता है, हमको तो रहने दिया नहीं। बेटा नहीं है, बेटी थी, तो बेटी भी भगवान के घर चली गई, अब कोई करने वाला नहीं है। अनाथ सी हो गई हूँ, तो क्या करें बेटे, बहुत। ना मैया अनाथ मत कहो, जिनके नाथ जगन्नाथ हो, भला वो कोई अनाथ कैसे हो सकता है। अब तो तुम हमको बेटे मिल गए हो बाबू, इसलिए हम आज बहुत खुश हैं, कह नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। हम देख के तुमको लगता है हमको तो बेटा मिल गया, भगवान तो दे दिए बेटा। हम पूजा भी बहुत करते हैं भगवान का, गीता पीता रोज पढ़ना हमारा काम। आप यहाँ आई हैं तो आपको लेके कौन आया है? बहन लेके आई है। कौन है ये? वही तो है बहन, यही तो है। कौन है ये? मेरी बहन है। सगी बहन? हाँ, सगी बहन है। मैं सबसे बड़ी हूँ, आई सबसे छोटी है, हम चार बहन है, लेकिन और सब तो नहीं किया हमको, भाई भी है तीन ठो, लेकिन सबके दरवाजा पर मेरी बहन दुखी होके घर आती थी, इसका भी हस्बैंड नहीं तो है। आपके भाई हैं? भाई हैं, लेकिन सबके दरवाजा पर 2 महीना रख के सब लौटा दिया, कोई रहने नहीं। अच्छा, भाई लोग भी नहीं रखते आपको? नहीं, कोई नहीं रखा। बहुत ठोकर खाते खाते इसके यहाँ थी, इसकी भी लाचार है, क्या करे, इसका भी हस्बैंड नहीं है, वो भी चले गए हैं 1 साल अंदर ही में, इधर में, बस अब हम क्या करें। तो आप बहन के यहाँ कितने दिन थी? बहन के यहाँ हम थे 6 महीना से करीब। बात कराइए बहन से, मैया से। क्या नाम है आपका मैया? उमा नाम है गुरुदेव। ये आपकी बहन है? जी। तो ये आपके यहाँ थी अभी कुछ दिन? जी, 6 महीना मेरे यहाँ थी। फिर क्या दिक्कत हुई? फिर मेरे भी हस्बैंड नहीं है, जब तक रहे, जब तक हम सहारा देते रहे, उसके बाद मेरे बेटा हैं, दोनों प्राइवेट जॉब में हैं, वो बाहर रहता है, वो घर पर रहता है, लेकिन वो लोग भी कभी कभी बोलता है कि माँ इसका इंतजाम कहीं करिए, तो मैं इंतजाम इनका कहाँ करें, हम यहाँ 2 साल से आप। तो आप अपने बच्चों को समझाते ना कि बेटा ये भी तो तुम्हारी माँ ही है, सेवा करो। आज के जमाना में प्रभु अगर माँ को निभ जाए वही तो बहुत बड़ी बात है। सही है। और ये तो क्या हम कह सकते हैं, हम आपके यहाँ 20 से जुड़े हुए हैं, अभी तीसरा बार मथुरा आए हैं जी। हम आपकी सेवा देख के बहुत प्रभावित थे गुरुदेव, भगवान को तो नहीं देखे लेकिन आपको रूप में हम देखते हैं, और हम इनको ले आए हैं, हम क्या लाएंगे, लाने वाला तो प्रभु हैं जी। मैं तो अपना घर का चाबी भगवान के आगे रखते हैं, जो प्रभु करिए आप करिए। और हमारे संग दो गो मेरे सुखचिंतक थी, मेरी दोस्त, वो दोनों 3 आदमी हम लोग लेके आए हैं। चलिए देखो, एक माँ है जो भाइयों के द्वार पर गई, वहाँ ठुकराया गया, पति है नहीं, पुत्र है नहीं, देवरों ने इनका घर छीन लिया, अपनों ने, माय के पक्ष ने भी ठुकराया, ससुराल पक्ष ने भी ठुकराया, लेकिन गौरी गोपाल भगवान ने इन्हें स्वीकार किया है। मैया आप यहाँ आई हो, आज से यहीं रहिएगा, यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया गया आपसे? नहीं बेटे, यहाँ किसी भी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप कब आई यहाँ पर? आज ही तो आई। आज ही आए हैं मैया, आज ही आई हैं।
यहाँ रहने के कोई पैसे नहीं लिए गए माँ से, और ये माँ को जब अपनों ने ठुकराया तो यहाँ आई। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब सहयोग जरूर इन माँ के लिए, अपनों ने ठुकराया है पर आप सब जरूर सहारा बनिएगा। जिस लायक हैं सेवा कीजिएगा, इन बेसहारा माँ की सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा वह सबसे बड़ा पुण्य होगा, उस पुण्य को कोई काट नहीं सकता। इन माओ से पूरा गौरी गोपाल आश्रम भरा है, 277 माए थी, आज एक माँ और आई तो 278 माताएं हो गई। इन माओ के लिए भोजन पानी जो है सेवाएं, आप भी एक दिन का प्रसाद माओ को बंटवा सकते हैं कि आज हमारी ओर से माँ को भोजन मिलेगा। इन माओ के लिए ये बड़ा गौरी गोपाल आश्रम तैयार हो रहा है, माओ को रहने की जगह नहीं है ना, अब कहाँ रखें। ऐसी माँ आती हैं जैसे तैसे, अभी आपने गौरी गोपाल आश्रम में देखा होगा एक दूसरे से पलंग को सटा के रखा गया है, जगह नहीं। एक कमरे में यदि चार माताओं की जगह है तो उसमें पांच माताएं रखी गई हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है और माताएं ज़्यादा हैं, सहारा तो चाहिए। इसलिए ये बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है जहाँ माताएँ, बड़ा कमरा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, सब व्यवस्थाएं माओ के चलने फिरने की, टहलने की व्यवस्थाएं, और सुखपूर्वक माताएं रह सकें, इसके लिए एक बड़ा आश्रम का निर्माण हो रहा है। आप सहयोग करेंगे तो आपके सहयोग से आश्रम का कार्य जल्दी होगा। एक ईंट से लेकर 1000 ईंट तक का सहयोग आप कर सकते हैं आश्रम के निर्माण में। एक बोरी सीमेंट से लेकर 100 बोरी सीमेंट का सहयोग आप कर सकते हैं। आप कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, किसी वृद्ध माँ को भोजन दे सकते हैं, एक माँ को गोद ले सकते हैं। जिस लायक ईश्वर ने बनाया है, बस मैं तो ये कहूँगा कि आप इन माँ की सेवा से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि जब आप इन माँ की सेवा से जुड़ते हैं तो भगवान आपको देखते हैं कि आपने सेवा की है, और सेवा करी यशोदा माँ ने तो उन्हें भगवान मिले। जो सेवा करता है उसका लोक परलोक दोनों संवर जाता है। दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, दान करने वाला सदा सुखी होता है। आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बन सकते हैं तो जरूर बनिएगा। कुछ देने लायक बनाया है विधाता ने, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में है। देखो ना, इस माँ को इनके भाइयों ने, देवर ने, अपनों ने ठुकराया, इन माँ से हमारा तो खून का कोई रिश्ता नहीं है, अपनों से तो रिश्ता था, हमसे तो केवल धर्म का रिश्ता है। बस यदि हम धर्म का रिश्ता निभाते हैं तो आप सबकी भी ये माँ धर्ममयी माँ है, आपकी भी तो ये माँ है, हम सबकी माँ है। ये सोच के सेवा करो कि आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में है, जिसका कोई नहीं होता ना, भगवान होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल भगवान ने इन माओ के लिए ये कार्य चला रहे हैं, काम तो भगवान का है। रावण को तो राम ही मारते, लंका को तो राम ही जीतते, लेकिन लंका को जीतने में राम ने सहयोग सबका लिया, गिलहरी का, बंदरों का, भालुओं का, सबका सहयोग लिया कि नहीं। उसी तरह सेवा तो गौरी गोपाल भगवान को ही करनी है, लेकिन वो आपसे सहयोग लेना चाहें तो आप भी गिलहरी बनकर सेवा जरूर कीजिएगा। सहयोग करने लायक है कीजिएगा, नहीं करने लायक हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप इस लायक बने कि आप किसी माँ का सहारा बन सकें। मैया बाप यहीं रहिएगा, यह दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनेगा और बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा, ठीक है? आप खुश हैं? हाँ बेटे, यहाँ खुश, बहुत खुश हैं बेटे। अब आप ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा ये दास, बेटा आप मान लिए बेटे, हम सब मिलकर सेवा करेंगे। कितने लोग बेटा बेटी बनेंगे माँ के, बनिएगा सहारा बनिए।